इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा हरियाणा ने लोकसभा की बची हुई सीटों की घोषणा की। वहीं मीडिया से रूबरू इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र से अर्जुन चौटाला, भिवानी से बलवान सिंह, रोहतक से धर्मवीर फौजी को प्रत्याशी घोषित किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में जो लोगों से वादे और मुद्दे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं किए गए। इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश के बीच में वोट मांगने जाएंगे। जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को रुलाया अब उनसे बदला लेने का समय आ गया है। 12 तारीख होने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा परसों चंडीगढ़ में की, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने हमेशा आम व्यक्ति, जमीन से जुड़े व्यक्ति को देश की विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इसी तरह चौटाला साहब भी उन्हीं नीति पे चले, आम कार्यकर्ता चुनाव लड़े, इसके लिए हमने 6 उम्मीदवार घोषित किए थे। और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, ताबे सिंह जी से सलाह मशवरा करके हमने रोहतक से एक एक्स सर्विस मैन है जो फौजी रिटायर है, धर्मवीर फौजी को अपना उम्मीदवार बनाया, जो हमारी पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, झज्जर जिले के रहने वाले हैं, उनको हमने अपना प्रत्याशी बनाया। इसी प्रकार भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, वहां से भी एक सर्विस मैन बलवान सिंह यादव है जो जिला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, पार्टी ने वहां से उनको उम्मीदवार बनाया। और कुरुक्षेत्र से हमारे जो स्टूडेंट विंग है ISO उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं अर्जुन चौटाला, कुरुक्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और गुड़गावा की सीट कल तक हम घोषित कर देंगे। हमने इसमें एक्स सर्विस मैन को, किसान संगठन से जुड़े लोगों को, युवाओं को कोशिश की है कि सभी लोगों को प्रतिनिधि मिले, और गुड़गावा की सीट का कल करेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 4.5 साल पहले जो लोग लोगों से वादे करके पूरे नहीं कर पाए, उन सब मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। हम बताएंगे कि जो लोग कहा करते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, उनके राज में 5 साल में 5 बार नमी के नाम पे बाजरा, सरसों, धान कट लगाकर किसान की जेब पे डाका डाला, जबरी फसल बीमा योजना लागू करके किसान की जेब पे डाका डाला। इसी प्रकार से युवाओं को रोजगार के कहा करते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार साल में देंगे, उनको रोजगार नहीं मिला। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।